दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और इवन नन का पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप जाकर पार्ट वन को देख लें, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछले पार्ट में हमने देखा था गुल्ली की अमेजोन स्टोर पर डिलीवरी बॉय की जॉब लग जाती है। इस खुशी में अपना पॉटी बॉय सोन कल्लू हलवाई वाले की दुकान से कुत्तों के मुंह से भरी कोल्ड ड्रिंक लेकर गुल्ली बुल्ली के घर पर आ जाता है। घर पर आते ही बुल्ली कल्लू हलवाई के बारे में सोन को सब कुछ बता देता है। सोन फौरन दूसरी कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए बुल्ली के साथ कल्लू हलवाई वाले की दुकान की तरफ जाने लगता है। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। अरे बुल्ली, ये कल्लू हलवाई वाला तो दुकान बंद कर घर चला गया। अब हम उससे पूछेंगे कैसे कि वो कोको कोला के अंदर क्या मिलाता है। वो सब छोड़ो सोन, अब हम इतनी रात को कोल्ड ड्रिंक कहाँ से लेकर आएंगे। तुमने इस कल्लू हलवाई वाले की दुकान से कोल्ड ड्रिंक खरीद कर पूरा मजा किरकिरा कर दिया सोन। एक जगह है जहाँ से हम कोल्ड ड्रिंक खरीद सकते हैं बुल्ली, इतनी रात को सारी दुकान बंद हो जाती है सोन। नहीं बुल्ली, इतनी रात को सारी दुकान बंद नहीं होती। तुम्हें पता है बुल्ली, जहाँ पर अपना गुल्ली काम करता है उस अमेजोन स्टोर के सामने एक ठेला लगता है। वो ठेला आधी रात तक खुला रहता है और उस पर हमें जरूर कोल्ड ड्रिंक मिल जाएंगी। ठीक है सोन, चलो उस ठेले वाले के पास, वहीं से हम गुल्ली को भी लेकर आ जाएंगे। इतना कहकर बुल्ली और सोन अमेजोन स्टोर की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बुल्ली और सोन अमेजोन स्टोर के पास आ जाते हैं और सोन बुल्ली से कहता है, ये देखो बुल्ली, ये गुल्ली का बॉस है जो अभी स्टोर को बंद कर घर जाने वाला है। तुम जल्दी जाकर उससे गुल्ली के बारे में पूछो, मैं जाकर उस ठेले वाले से कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। ठीक है सोन। इतना कहकर बुल्ली और सोन जीप से उतरते हैं और अपना अपना काम करने के लिए जाने लगते हैं। उसके बाद बुल्ली बॉस से कहता है, हेलो सर, मेरा नाम बुल्ली है और वो मेरा दोस्त सोन। हम दोनों का दोस्त बुल्ली आपके स्टोर पर डिलीवरी बॉय का काम करता है और वो अभी तक घर नहीं पहुंचा, इसलिए हम गुल्ली को लेने के लिए आए हैं। क्या गुल्ली अभी तक घर नहीं पहुंचा? लेकिन गुल्ली ने मुझसे कहा था कि वो आखिरी पार्सल डिलीवर कर सीधा घर जाएगा। हो सकता है उसका स्कूटर रास्ते में खराब हो गया होगा, वरना गुल्ली इतने टाइम तक तो घर पहुंच जाता है। क्या सर, आप मुझे बता सकते हैं कि गुल्ली आखिरी पार्सल डिलीवर करने के लिए कहां गया था? हाँ बुल्ली, वो चांदनी चौक के आगे गुलशन नगर में पीटर का घर है, वहाँ पर गुल्ली पार्सल डिलीवर करने के लिए गया था। इतना सुनकर फौरन बुल्ली सोन की तरफ जाने लगता है और सोन के पास पहुंचकर बुल्ली सोन से कहता है, जल्दी चांदनी चौक के आगे गुलशन नगर में चलो सोन, गुल्ली वहीं पर पार्सल डिलीवर करने के लिए गया होगा, हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। ठीक है बुल्ली। इतना कहकर सोन और बुल्ली जीप की तरफ जाने लगते हैं और जीप में बैठकर सीधा गुलशन नगर की ओर चले जाते हैं। कुछ ही देर में बुल्ली और सोन गुलशन नगर में पहुंच जाते हैं। फिर बुल्ली सोन से कहता है, सोन यहीं आसपास पीटर का घर है, मुझे लगता है बुल्ली ये सामने वाला घर ही पीटर का है। ठीक है सोन, फिर चलो उस पीटर से पूछ कर आते हैं। इतना कहकर बुल्ली और सोन सामने वाले घर की तरफ जाने लगते हैं। दरवाजे के पास पहुंचते ही सोन दरवाजे को खटखटाता है। दरवाजे की खटपट सुनकर घर के अंदर से एक आदमी बाहर आता है। इसके बाद सोन उस आदमी से कहता है, भाई साहब, आपका नाम पीटर है? नहीं, मेरा नाम तो पप्पू है। तो फिर पीटर कहाँ है? पीटर तो सामने वाले घर में रहता है, लेकिन तुम्हें अभी पीटर घर पर नहीं मिलेगा। क्यों, पीटर कहीं गया है क्या? हाँ, आज उसके दोस्त का जन्मदिन है, इसलिए पीटर आज शाम को उसके दोस्त के बर्थडे पार्टी में चला गया था। इनमें से पीटर के दोस्त का घर कौन सा है? अरे छोटू, पीटर के दोस्त का घर तो लप्पू नगर में चिरौंजी की दुकान के पास में है। देखो पप्पू, मेरा नाम छोटू नहीं है, मेरा नाम सोन है, द पॉटी बॉय सोन। समझ गए ना तुम? समझ गया छोटू, नहीं मेरा मतलब सोन। इसके बाद बुल्ली सोन को चलने का इशारा करता है और फिर बुल्ली और सोन वहां से चले जाते हैं। बुल्ली, मुझे तो ये पप्पू एक नंबर का लोलू आदमी लगता है। तुम ठीक कहती हो सोन, मुझे लगता है कि हमें उस घर में एक बार जाकर चेक कर लेना चाहिए, हो सकता है पीटर घर के अंदर ही हो। ठीक है बुल्ली। बुल्ली वहां पर तुम खड़े थे,
वरना मैं उस पप्पू की पीछे से पूरी हवा निकाल देता। इसके बाद वो मुझसे कभी भी छोटू नहीं कहता। इसके बाद बुल्ली पीटर के घर का दरवाजा खटखटाता है। मुझे लगता है पप्पू एकदम सही बोल रहा था। बुल्ली पीटर पक्का अपने दोस्त के घर पर पार्टी करने के लिए गया होगा, वरना इतनी खटपट की आवाज से पीटर अपना दरवाजा खोल देता। मुझे लगता है सोन पीटर ने गुल्ली को भी अपने दोस्त के घर पर पार्सल डिलीवर करने के लिए बुला लिया होगा, और अब हमें भी पीटर के दोस्त के घर पर जाना होगा। हाँ सोन चलो। इसके बाद बुल्ली और सोन पीटर के दोस्त के घर की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद बुल्ली और सोन ग्लप्पू नगर में जल्दी पहुंचने के लिए पुराने कब्रिस्तान वाले रास्ते से शॉर्टकट ले लेते हैं। तभी सोन को कुछ दिखाई देता है और सोन फौरन बुल्ली से कहता है, बुल्ली जल्दी गाड़ी रोको और वो सामने देखो वो क्या चीज है। अरे सोन ये तो ईवल नन है, हमें फौरन यहाँ से निकलकर कोई दूसरे रास्ते से जाना होगा। एक मिनट बुल्ली, वो देखो वो क्या गुल्ली का स्कूटर है जिसके ऊपर एक पार्सल भी रखा हुआ है। कहाँ पर सोन? वो सामने देखो कब्रिस्तान के गेट के पास। हाँ सोन ये तो अपना ही स्कूटर है, कहीं ईवल नन ने गुल्ली के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। हमें कब्रिस्तान के अंदर जाकर देखना होगा बुल्ली। ठीक है सोन। इतना कहकर बुल्ली और सोन पुराने कब्रिस्तान के गेट की तरफ जाने लगते हैं। ईवल नन को देखते ही सोन फौरन गेट के पास में छिप जाता है और बुल्ली से कहता है, ये देखो बुल्ली वो रही ईवल नन। लेकिन सोन ये ईवल नन जा कहाँ रही है? मुझे लगता है बुल्ली इस ईवल नन का कोटा फुल हो गया होगा, इसलिए ईवल नन अपने कोटे को खाली करने के लिए वहां जा रही है। जैसे ही ईवल नन उस कुएं के अंदर जाती है, तभी बुल्ली और सोन गुल्ली को ढूंढने के लिए कब्रिस्तान के अंदर आ जाते हैं। कब्रिस्तान के अंदर आते ही बुल्ली और सोन उस कुएं की तरफ जाते हैं जहां उन्होंने ईवल नन को देखा था। कुएं के पास आते ही बुल्ली और सोन कुएं के अंदर देखते हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुएं के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर सोन बुल्ली से कहता है, बुल्ली हमें इस कुएं के अंदर जाकर देखना होगा, तभी हमें गुल्ली का कुछ पता चलेगा। तुम ठीक कहती हो सोन, मैं अभी इस कुएं के अंदर जाकर देखता हूँ। अरे ये क्या, ये ईवल नन तो इस कुएं से बाहर आने वाली है। बुल्ली और सोन को फौरन इस कब्रिस्तान से बाहर निकल लेना चाहिए। जैसा ही ईवल नन इस कुएं से बाहर देखती है, तो ईवल नन को कुएं के बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता। अचानक ये बुल्ली और सोन कहाँ चले गए? अरे ये क्या, बुल्ली और सोन तो ईवल नन की नजरों से बचते हुए कुएं की आड़ में छिपे हुए हैं। लेकिन ईवल नन ने बुल्ली को छिपते हुए देख लिया है। अब क्या होगा गुल्ली का? क्या बुल्ली और सोन मिलकर गुल्ली को बचा पाएंगे, या खुद भी ईवल नन के हाथों मारे जाएंगे? ये सब हम देखेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करना ना भूलें। ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट। अगर आपका इसमें नाम नहीं आया है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखें।